हेलो दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई कसर नहीं छोड़ना। मैं इंग्लिश सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इसके डेफिनेशन जान लेते हैं क्या एग्जैक्टली मीनिंग होता है। व्हेन यू डिटरमाइन टू अचीव समथिंग, यू गो ऑल आउट ऑफ योर वे टू मेक श्योर दैट यू अचीव इट। द idiom लीव नो स्टोन अनटर्न्ड बेसिकली मीन टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू अकम्प्लिश समथिंग। यू लुक everywhere, turn over every rock to get what you want to buy, doing everything in your power। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आप कुछ चीज़ कुछ कर रहे हैं तो हम हर कुछ उसको एफर्ट लगाते हैं। हम जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हम हर किताब पढ़ेंगे, हर वीडियो देखेंगे, हर ग्रामर पढ़ेंगे, हर मॉडल वर्ब पढ़ेंगे, हर पॉसिबल हमारे जो हो सकता है हर पॉसिबिलिटी हम करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि हम कोई उस पर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इंग्लिश सीखने में हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वी आर लिविंग नो स्टोन अनटर्न टू लर्न इंग्लिश। कुछ इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। मैं कोडिंग सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू लर्न कोडिंग। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तुम्हें परीक्षा की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। You should leave no stone unturned in preparing for exam। उसने अपने कर्तव्य को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। He left no stone unturned to fulfill his obligation। हमारी पालन पोषण करने में माता पिता कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। Parents leave no stone unturned in our upbringing। इस लेसन को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।